मॉर्निंग दोस्तों, मैं इस समय हूँ नोएडा सेक्टर 11 SCL के सामने और मुझे एक पेड़ विलुप्त होता हुआ जो कि विलुप्त हो रहा है वो दिख गया। और ये है कैथा का पेड़, जिस पर आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद फल लगे हुए हैं और ये MP में ज़्यादा मिलेगा और शहरों में, जबकि दिल्ली नोएडा में कहीं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एक कैथा का पेड़ यहाँ नोएडा में मिल गया और इससे कई पेड़ बन सकते हैं। और बहुत अच्छा है, हमारे स्कूलों के दिनों का याद आता है कि हम लोग लंच में कैथा का पेड़ खूब उसे कैथा तोड़ के खाते थे। और आप देख रहे हो कि इस पे सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल फल लगे हुए हैं, ये कैथा है। और दिल्ली में मुझे नहीं लगता कहीं पेड़ होगा, जैसे ये छुपा हुआ था। मैं कई सालों से यहाँ से निकल रहा था लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये कैथा का पेड़ है, लेकिन आज फल को इसको देखा तो जैसे जैसे मैं पेड़ों को ढूंढता हूँ, पेड़ मुझे भी ढूंढते हैं कि आप भी आओ, हमें पहचानो, हम कौन हैं। और ये कैथा का पेड़ है, इसके पत्ते जंगली जलेबी जैसे छोटे छोटे होते हैं और इसमें फूल भी लगा हुआ है, एक तरफ से फूल हो रहा है। आपको मैं फूल दिखाता हूँ, ये आप जो देख रहे हैं गुच्छों में ये फूल है और उसके ऊपर हरा हरा कैथा का कली है। और ये कैथा देखिए चारों तरफ गोल गोल लगे हुए हैं और बहुत सुंदर ये मोटा पेड़ है कैथा का। ये कैथा का पेड़ है और ये सामने SCL है, SCL नोएडा सेक्टर 11। और उसके सामने जस्ट ये पेड़, अगर किसी को पेड़ चाहिए, इसको कलम बनानी हो, लगानी हो, तो आप लोग इस कैथा के पेड़ का कलम लगा सकते हैं। और एक पेड़ यहाँ पे मैंने देखा है, इसमें कांटे हैं बहुत, देखिए मतलब पूरे जंगली जलेबी जैसा एकदम, लेकिन पत्थर जैसे इसको इसके फल हैं। फल दिखाता हूँ मैं आपको, एकदम वाइट वाइट गोल गोल, ये देखिए लटका हुआ पत्थर जैसा फल, ये झूम रहा है हवा से और टूटे टूटता नहीं बहुत जल्दी। ये बेल पत्थर जैसे होता है वैसे इसका भी फल होता है, लेकिन ये थोड़ा छोटा होता है, सफ़ेद होता है, खाने में थोड़ा खट्टा होता है और अलग ही स्वाद होता है इसका। कैथा मैंने ढूंढ लिया आसपास मेरे और अब इसके फल से, बीज से और कई नए पेड़ बनाएंगे। तो सुबह सुबह मुझे नए पेड़ का, विलुप्त होते हुए पेड़ का दिखाई दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग से भी शेयर करूं। देखिए पूरा फलों से लदा हुआ है, बहुत बड़ा पेड़ है। सामने SCL इंडिया और यहाँ एक स्प्राइट टोयोटा का शोरूम है और अच्छा है, शोरूम वालों ने काटा नहीं इसको, पेड़ को, क्योंकि पेड़ विलुप्त होता है। किसने लगाया था, कहाँ से लाके लगाया था, वन विभाग वाले तो लगाए नहीं होंगे क्योंकि देखिए कितना